Hello my dear students, get ready for today's EVS class. Students, as you know, we are doing block 7, sense organs, and today we will learn to use all the 5 sense organs to gather information about a given thing. Clear students? So students, let's look. Here is a picture. You can see two children are sitting. They are using their eyes to see. And they're using their ears to hear, nose to smell, tongue to taste, and they use their skin to feel that the teddy bear is soft or hard. Clear, students? Now, students, tell me, which sense do you think is most important? So, आपको बताना है कि कौन सा sense organ है जो सबसे ज़्यादा important है and why? So, students, let's discuss the answers. Each of our sense gives us some information about a thing and is important. So, जो सारी ही sense organs हैं वो हमें कोई ना कोई information देती हैं किसी particular thing के बारे में और सारे ही जो sense organs हैं they are important, equally important. When we use all of our senses, we are able to get the complete information about a thing. सो जब भी हम अपनी सेंस का यूज़ कर रहे होते हैं देन वी आर एबल टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज हाउ डू सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो हाउ थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आई रिपीट, हाउ डू सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो हाउ थिंग्स आर different from each other. जो sense organs होते हैं उनके use से हमें कैसे पता चलता है कि जो things हैं they are different from each other. Students, let's discuss the answer. Our sense organs help us to know about things and then we compare the things. So जब भी हम अपने sense organs का use करते हैं they help us to know about things. So हम किसी भी थिंग को देखकर या उसको लिसन करके या उसको स्मेल करके पता लगा सकते हैं ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन. एंड देन वी कंपेयर द थिंग्स, और उसके बाद हम जो भी थिंग्स होती हैं उनको कंपेयर करते हैं. आई होप आंसर इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर कंटेंट बुक ऑफ ईवीएस लेसन नंबर 4, फंक्शंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. Students, let's start the reading. We know what is happening around us because of our sense organs. So, हमें किसकी help से पता चलता है कि हमारे आसपास की जो भी कुछ हो रहा है sense organs की help से. We know the doorbell is ringing because we hear the sound with our ears. So, हमें पता होता है कि doorbell ring हो रही है. कैसे पता चलता है हमें? बिकॉज हम उसकी साउंड सुनते हैं अपने ईयर से. वी नो वट इज़ रिटन इन बुक्स बिकॉज वी सी विद आर आइज. सो हमें ये भी पता है कि बुक्स पे क्या लिखा हुआ है. और अब आप जो ये वीडियो देख रहे हो आपको किसकी हेल्प से देख रहे हो? आइज की हेल्प से. वी नो दैट अ टॉय इज़ सॉफ्ट बिकॉज वी कैन फील इट विद आर स्किन. सो टॉय को भी हम फील कर सकते हैं कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है विद आर स्किन. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी नो अ मैंगो इज़ स्वीट बिकॉज वी टेस्ट इट विद आर टंग. सो हम किससे टेस्ट करते हैं? अपनी टंग से. वी नो फूड इज़ बीइंग कुक बिकॉज वी कैन स्मेल इट विद आर नोज. सो हमें पता है कि जो फूड है वो कुक हो रहा है और ये हमें किससे पता चलता है? अपनी नोज से. हम उस नोज से स्मेल कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? यू कैन सी इन द पिक्चर दिस गर्ल इज़ टेस्टिंग विद हर टंग. सो स्टूडेंट्स, नोज का क्या यूज़ होता है? नोज का यूज़ होता है स्मेल. नोज से हम स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, स्किन से हम टच करते हैं, आई से हम देखते हैं एंड ईयर से हम लिसनिंग करते हैं. So these are the uses of 5 sense organs. I hope lesson is clear to you all. Now students, please open your worksheet as for using sense organs. So question number 1 is,
How will you use your sense organs to know about a mango? So this is a mango. हम अपने sense organs का कैसे use करते हैं कि एक mango है? Yes. We see its color is yellow with our eyes. Eyes से हम देखते हैं, so हम write कर सकते हैं यहाँ पे. Its color is yellow. Okay. So हम इसकी smell देख सकते हैं mango की. Next one is mango कोई sound करता है, so आप write करोगे no sound. अगर sound करता है तो आप उसकी sound लिखोगे. Next one is we can taste, sweet है या फिर sour है, खट्टा है या फिर मीठा है, वो हम taste करेंगे tongue से, sour and sweet. Clear students? Next one is हम इसको touch करेंगे कि ये कैसा है, hard है या फिर soft है. So in this way you can use your sense organs to know about a mango. Next question is, how will you use your sense organs to know about an alarm clock? So alarm जो clock होती है उसके बारे में अपने sense organs का कैसे use करोगे? Alarm is white, white clock. This is a white clock. We can see it with our eyes, and इसकी sound को हम सुन सकते हैं ear से, tick tick sound. So it has a sound. And it has no taste. Alarm का कोई taste नहीं होता. So you will write here no taste. So we will use our sense organs in this way. Clear students? So last question is, how do our sense organs help us to know the difference between an alarm clock and a mango? So हमारे sense organs कैसे हमारी help करते हैं difference जानने के लिए between an alarm clock and a mango. So हम इनको differentiate करेंगे, compare करेंगे इन दोनों things को. Yes, we can use our ears for comparing this. We can hear the sound of alarm clock and we cannot hear the sound of mango because mango do not make any sound. So we will use our sense organs to compare things. So students, you have to complete this worksheet. Now students, please open your content book. Now you have to do practice question number 7. Which sense organs do you use while playing your favorite game? So आप अपने कौन से sense organ का use करते हैं जब भी आप अपना कोई भी favorite game play कर रहे हो? So you will think and write your answer. Next question is, which two sense organs will help you know that a food is hot or cold? So आपके कौन से दो सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि फूड हॉट है या फिर कोल्ड है? फर्स्ट वन इज स्किन. और फूड को हम किससे ईट करते हैं? टंग. टंग पे अगर फूड रखा जाएगा तब भी हमें फील हो रहा है ना कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है. सो यू विल राइट दीज टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.